Subscribe to my YouTube channel Deepti Ghaish Sharma and hit the bell icon to watch my latest videos first. Hey guys, welcome back to my channel. तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू अप्लाई फाउंडेशन स्टेप बाय स्टेप, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं और यही फाउंडेशन रूटीन मैं फॉलो करती हूँ फॉर समर्स. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है नो फाउंडेशन फिट फ्री मेकअप लुक, उसमें मैंने कोई भी फाउंडेशन नहीं अप्लाई किया और स्पेशली वो वीडियो मैंने अपलोड की है समर्स के लिए. तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं मैं मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और ये लुक परफेक्ट है अगर आप समर्स में फाउंडेशन थोड़ी सी अप्लाई करना चाहते हैं. तो इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको कैसे फाउंडेशन अप्लाई करनी चाहिए स्पेशली समर्स के लिए. एंड दिस इज माई फाउंडेशन रूटीन जो मैं फॉलो करती हूँ स्पेशली इन समर्स. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ माई DIY मैजिक सिरम. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है इसके ऊपर, तो मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप प्लीज वो वीडियो जरूर देखें. और पहले मैं इसको अप्लाई करूंगी अपनी स्किन पे एज मॉइस्चराइजर. तो मैं मॉइस्चराइजर यूज नहीं कर रही, मैं इसी को यूज करूंगी. तो आप देख सकते हैं मैं काफी देर से इसको यूज कर रही हूँ और मेरी स्किन को बहुत ग्लोई कर दिया है इसने. और मैं डैप करके अपनी स्किन पे अप्लाई करूंगी, मैं रब नहीं कर रही अपनी स्किन में. तो डैप करके जब आप अप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अच्छे से आपकी स्किन के अंदर चले जाते हैं. अब नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ लोटस का सनस्क्रीन लोशन. अब ऑब्वियसली समर्स में सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है और ये वाला सनस्क्रीन मेरा फेवरेट है. ये जेल बेस्ड है तो आपकी स्किन पे बिल्कुल भी ऑयल नहीं आने देगा ये. तो मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूंगी अपनी स्किन में. और इसमें SPF 50 भी है, दैट इज रियली रियली गुड फॉर योर स्किन. और मैं अगेन इसको डैप करके ही अप्लाई कर रही हूँ. फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ रिमल की लॉन्ग लास्टिंग 25 आवर्स फाउंडेशन. और मैं इसको पहले डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी. जब आप इस तरह से फाउंडेशन अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पे, एक तो आप कम प्रोडक्ट यूज करते हैं और वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है. अब आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज्यादा फाउंडेशन नहीं अप्लाई करी, तो मैंने हल्के हल्के डॉट्स पूरे फेस पे अप्लाई कर लिए. अब एक डैम स्पंज की हेल्प से मैं अच्छे से इस फाउंडेशन को ब्लेंड करूंगी. एंड सीरियसली गाइज, ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है समर्स के लिए, लॉन्ग लास्टिंग है. अगर आपकी स्किन पे बहुत ऑयल आता है ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है उसके लिए. एंड 25 आवर्स फाउंडेशन है तो बहुत देर तक आप ये फाउंडेशन अप्लाई करके रख सकते हैं. एंड अगेन आपको ज्यादा फाउंडेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी सी अप्लाई कर लें. अब मैं एल्फ का ब्लेंडिंग ब्रश यूज कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से अपनी फाउंडेशन को और अच्छे से ब्लेंड कर लूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा फाउंडेशन नहीं चाहिए अपने फेस पे, तो मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी इसको. तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैंने बहुत ज्यादा फाउंडेशन अप्लाई करी है. नाउ मूविंग ऑन टू द कंसीलर, मैं यूज कर रही हूँ फिटमी का कंसीलर इन शेड 25. ये मेरी स्किन टोन का कंसीलर है, मैं हाईलाइट नहीं कर रही अपना फेस. तो मैं बिल्कुल हल्का सा कंसीलर अपनी अंडर आईज में अप्लाई करूंगी और बिल्कुल थोड़ा सा जहां पे मुझे थोड़े ज्यादा एक्ने स्पॉट्स हैं वहां पे अप्लाई करूंगी. और फिर स्पंज की हेल्प से मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूंगी. आप चाहें तो आप कंसीलर को फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट जब आप स्पंज यूज करते हैं वो भी डैम स्पंज, उससे क्या होता है काफी ज्यादा प्रोडक्ट जो होता है स्पंज सोक कर लेता है, तो आपके फेस पे इतना ज्यादा प्रोडक्ट नहीं दिखता और आपका फेस ज्यादा केकी भी नहीं होता. तो इसलिए आप प्रेफर करें कि आप स्पंजेस यूज करें. तो इसी तरह से आपको फाउंडेशन के बाद थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करना है. अब लास्ट में मैं यूज कर रही हूं मेबेलिन का फिटमी प्रेस पाउडर और मैं अच्छे से अपने फाउंडेशन को और कंसीलर को सेट करूंगी, क्योंकि फाउंडेशन और कंसीलर लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन सबको क्रीम प्रोडक्ट्स को या लिक्विड प्रोडक्ट्स को आपको अच्छे से सेट करना होता है. तो उसके लिए आप प्रेस पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर्स यूज करते हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में. तो मैं एक स्मॉल टेपर ब्रश ले रही हूँ, उससे पहले मैं अपने अंडर आईज को सेट करूंगी इस तरह से. और एक बिग पाउडर ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से अपने पूरे फेस को सेट कर लूंगी. आप चाहें तो कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ एक स्पंजेस भी आते हैं, तो आप उन्हीं से सेट कर सकते हैं अपनी फाउंडेशन को. अब लास्ट में ये स्टेप है स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए, तो मैं स्पंज के ऊपर थोड़ा सा पाउडर अप्लाई करके और उसको हल्के से डैप करूंगी सिर्फ मेरे टी जोन पे, ताकि टी जोन मेरा अच्छे से सेट हो जाए और समर्स में ज्यादा ऑयल ना आए मेरे स्किन पे.
अब लास्ट में मैं सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ और मैं अच्छे से अपनी बेस मेकअप को सेट कर लूंगी विद दिस। आप चाहें तो आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। आपका बेस जो होगा वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और आपका फेस बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा। तो यही स्टेप्स यूज करके आपको फाउंडेशन अप्लाई करनी है और यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं फाउंडेशन की। अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करना चाहते हैं इन समर्स तो आपको यही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं है जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, बस आपको यही सारे प्रोडक्ट चाहिए। तो यही बेस मेकअप है अगर आप बिगिनर हैं, इसी तरह से आपको फाउंडेशन अप्लाई करनी है और यही मेरी फाउंडेशन रूटीन है स्पेशली समर्स में। तो आप यही सारे स्टेप्स फॉलो करें तो आपका स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं रहेगा अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। सो आई रियली होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज शेयर कीजिए मेरी वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।